केम छो पब्लिक। सो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ सैम्पल ऑफ थ्री आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आइटम्स ऑफ विच फोर आर डिफेक्टिव। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। यहाँ पे हमको 10 आइटम का बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से हमको कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है। और उस बॉक्स में टोटल डिफेक्टिव पीस कितनी है, 4 है। और हमको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव यानी कि मीन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको टोटल आइटम दी हुई है 10। टोटल आइटम इज 10, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है, डिफेक्टिव आइटम है 4। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि गुड आइटम कितनी है, 6। तो सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है कि जीरो डिफेक्टिव यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो मिले। एक्स जीरो यानी एक्स हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं है यानी कि जो 3 हमको सिलेक्ट करनी है, टोटल हमको कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। तो 6 गुड में से सिलेक्ट होगी यानी 6C3 अपॉन 10C3। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1/6। उसके बाद ले लेते हैं हम 1 के लिए यानी कि एक आइटम डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आइटम है टोटल 4 और बाकी बची 6 में से आएगी यानी 6C2 और एक आएगी 4C1 में से अपन। टोटल तो सेम ही रहेगा भाई साहब, 10C3। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/2। सेम चीज़ करते हैं हम प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए यानी कि 2 डिफेक्टिव है यानी कि 1 गुड है। 6C1 गुड में से आ गया, 4C2 डिफेक्टिव में से आ गया अपॉन टोटल तो सेम ही रहेगा 10C3। तो इसका आंसर मिलेगा अपॉन 3/10। उसके बाद हमको फाइंड करना है 3 के लिए एक्स इज इक्वल टू 3 यानी कि भाई साहब तीनों की तीनों डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है 4C3 में से आएगी, 10C3 टोटल में से आएगी। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/30। ये जो हमको 0, 1, 2 एंड 3 के लिए प्रोबेबिलिटी मिली उसको हम टेबल में सजा देते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के लिए टोटल है 0, 1, 2 एंड 3। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मिली हमको 1/6, 1/2, 3/10 एंड 1/30। यहाँ पे हमको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स यानी कि मीन। मीन यानी कि ई ऑफ एक्स हम लिखते हैं तो मिलेगा समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमको पता है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी पता है, उसका सम कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। जीरो के लिए मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो जीरो ही मिलेगा, प्लस इंटू 1 इंटू 1/2, प्लस 2 इंटू 3/10, प्लस 3 इंटू 1/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 1.2। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 10 आइटम्स।